ये आ गया अपना कैनाल रोड ये देखो जैसे आप आगे देखो तो मेट्रो वाले ने कटनी है तो मैंने रोक दी पीछे। हे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल जय माता दी सत श्री अकाल सलाम। सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग पे। आई होप आप सब बड़े दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी तंगी आने वाली है। बड़ी देर मेरे जो ब्लॉग है वो बंद ही रहे थे तो आज दिन की शुरुआत जो है वो हो गई है। मैं जस्ट उठाऊँ और मैंने सोचा था कि जो ब्लॉग है वो मैं दिन की शुरुआत से ही शुरू कर दूँगा तो अभी उठाऊँ। और पापा बंदी कहाँ चले गए हमें शायद से बताया भी नहीं उन्होंने। पिछले दिनों जम्मू में इतनी बारिश हुई 6-7 दिन लगातार कंटिन्यूसली बारिश हुई और अच्छी खासी बारिश हुई। उस वजह से सारे आधा जम्मू बीमार, ऊपर से कोरोना, ऊपर से ये मतलब मेरा भी गला जो है थोड़ा थोड़ा ख़राब है। बाकी वो कोई चक्कर नहीं है, वैसे मैं ठीक हूँ पूरा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है। अभी मैं हो गया हूँ फ्रेश, ब्रश वगैरह कर लिया मैंने और अभी 10 बजे जो है वो मेरी ऑनलाइन क्लास है तो उससे पहले नहा भी लेता हूँ यार, क्या पता कैमरे शैमरे ऑन हो। तो हो गया अपना गीजर ऑन। मेरे ब्लॉग बंद थे इसलिए मैं आपको अपडेट कर नहीं पाया यहाँ की ठंड। जब मैंने बंद किए ना ब्लॉग, मतलब कि कुछ तैयारी करनी थी मैंने, तो वही मेरी तैयारी बंद हो गई है अब क्योंकि कोरोना वायरस आ गया तो उससे क्लासेस वगैरह सारी बंद हो गई हैं। तो अभी मैंने जो मेरा पहले वाला ब्लॉग था वो मैंने एडिट किया। मैंने कहा चलो यार सारे बोल रहे हैं क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो मैंने वो डाल दिया। आज का भी शूट कर रहा हूँ और 10 बजे ऑनलाइन क्लास है इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा यार। देखते हैं, मैंने कभी अटेंड की नहीं ऑनलाइन क्लास होती कैसी है, सिर्फ मैंने मीम्स में देखा है। वो जो मौजू डलता है ना, मैम आप शायद देशो ना, सिर्फ वही देखे हुए बाकी इसलिए नहीं पता क्या कैमरा ऑन करना है, माइक क्या, कुछ भी नहीं पता। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली, थोड़ा सा बताऊँगा आपको क्या चल रहा है। तो उसके बाद फिर क्लास का, उससे पहले मैं नहा लेता हूँ फिर नहा के मिलते हैं। अभी 9:45 इस टाइम हो चुके हैं और मैं नहाया भी नहीं हूँ, मतलब सोचा था कि नहाऊँगा तो अभी 9:45 तो हो गए हुए हैं। तो 5-10 मिनट पहले लिंक वगैरह भी आ जाता है कुछ बोल रहे थे तो, लेकिन नहीं मैं रिस्क लूँगा, पहले नहाऊँगा फटाफट, चाहे 10 मिनट में ही नहाऊँ लेकिन मैं नहाना ही नहाना है। यहाँ पर 10:15 हो गया, मैं नहा के भी रेडी हो गया हूँ और कोई लिंक नहीं आया अभी, वो कह रहे हैं कुछ मिनटों में आ जाएगा। तो अभी बड़े दिन के बाद आपको मैं मिलाता हूँ डिम्पल से। हाय डिम्पल, क्या हाल चाल है? तो बड़े दिन बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं ना, वो भी इसका ज्यादा मन था क्योंकि जब ये 1 महीना मैंने ब्लॉग नहीं डाली, इसने 1 महीना सभी के ब्लॉग देखे दबा के, पूरे दिन ब्लॉग ही देखते रहती थी जब इसको फ्री टाइम मिलता था। तो फिर इसने मुझे कहा यार तेरा कंटेंट बड़ा सही है तू क्यों नहीं बना रहा। मैंने कहा तेरे को पता यार मेरा क्या रीजन है, इसको पता था। तो इस कहती नहीं कोई बात नहीं, तू जब भी तेरे को टाइम मिलता है जो चीज़ तेरे पास है तो उसको यूटिलाइज कर, उसको ऐसे ही फ्री में वेस्ट नहीं जाने दे। तो जो जो तू चीज़ कर रहा है वो भी कर, पर जो तू ये चीज़ करता है ये भी तेरी बड़ी सही है। बाल कितने गंदे लग रहे हैं अभी यार, अभी थोड़े सेट होंगे ना। तो ये चीज़ तू कर रहा है ये कर, क्या पता इसमें भी कुछ तेरा बन जाए, मतलब कि मेमोरीज के लिए। तो अभी आप दाल बना रहे हो? हाँ। ओके, शाम को कहाँ जाना फिर? कहाँ जाना? अभी मैंने इसको अपना जुकाम ट्रांसफर किया थोड़ा थोड़ा। जुकाम नहीं यार, मुझे खांसी है सिंपल सी। पापा हेलो। हाय। ओ सॉरी, क्या हाल चाल है? बड़े क्यूट लग रहे हो आप, बड़े ज्यादा। क्या स्माइल है। आप क्या कर रहे बेटा? जो मैंने आपको बताया था तरीका वो चल रहा है ना आपका? हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ क्लास लाने के लिए नीचे वाले रूम में, फिर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है? फिर खाना शाना खाते हैं, बाय दोस्त। ठीक है, आया। अभी मेरी क्लास हो चुकी है ख़त्म और क्लास में जो मची है हड़कंप क्या बोलते हैं, हड़कंप मचा। जो पहली क्लास जो थी उसमें थोड़ी समझ आई और जो दूसरी क्लास थी उसमें कुछ नहीं पता लगा और अपने बंद भी होगी वो मुझे। अभी हमारी डिम्पल धूप सेक रही है, अच्छा खासा दूर से सनबाथ ले रहे हैं हम। तो अभी कितना 2 घंटे की क्लास चली और 2 घंटे मतलब कि खाना भी मैंने क्लास के चलते ही खाया, सब कुछ बैठा रहा वहाँ पे। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसका अलग ही थोड़ा होता है। इसमें क्वेश्चन जो मुझे डाउट थे वो अगर मैं पूछता भी तो क्या पता मेरा मैसेज उन्होंने पढ़ना भी था या नहीं पढ़ना था। 1-2 किया उन्होंने, नहीं पढ़ा, फिर
समझ मतलब समझ तो आई, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर क्लास होती है। अभी बैठो यहाँ पे, कल वाला व्लॉग जो था वो मेरा, जो अभी आप देख रहे होंगे इस वीडियो से पहले जो आपने देखा यार, वो व्लॉग जो था वो मेरा पुराना था, पर मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा एकदम से मॉरल डाउन हो गया था और कुछ और मेरा दिमाग में चल रहा था। दिमाग में हुआ था ना, दिमाग जब अलग अलग दिशा में चले जाता है, बड़ा अच्छा बनाया था, तो वो मैंने अपलोड ही नहीं किया। कल मुझे पता नहीं क्या सही हुआ, फिर मैं कल अपलोड मतलब सारा कुछ एडिट करके और करके रिमाइंडर लगा के सो गया था। और आज हाँ, और डिम्पल ने बोला कि नहीं तू बना ही बना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो जुकाम यार, चंगी बारिशें लगी हैं, जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा मेरा, और आहिस्ता आहिस्ता इसको भी थोड़ा थोड़ा मैंने नहीं दिया, मतलब कि है मौसम ही ऐसा है जिसकी वजह से जुकाम हो रहा है। मेरे को जुकाम कम है, खांसी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसने कल मुझे शुहारा खिलाया साड़ के तवे में, उस शुहारे ने मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क लगाया। क्या बोलते हैं शुहारे को उसमें, जो शुहारा होता ना इतना काले कलर का लम्बा लम्बा, हाँ उसको साड़ के उसको सेका लगा के गैस के चूल्हे के ऊपर वो मैंने खाया, वो काफ़ी बेटर हुई मेरी खांसी। अभी बैठ रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, कुछ है ही नहीं करने को, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलो आपको तो पता लग ही जाएगा। ब्लॉग अपलोड हो गया सारी जगह और मैंने शेयर भी सारी जगह कर दी है, लेकिन ब्लॉग बनाने पे मेहनत कम लगती है, मतलब शूट करने में मेहनत कम लगती है, उससे ज़्यादा लगती है उसको एडिट करने में, और सबसे ज़्यादा तो मेहनत वाला काम होता है वो होता है उसको शेयर करने में। तो मैं मतलब सोचता हूँ यार, कब ऐसा टाइम आएगा कि मैं जैसे व्लॉग डालूंगा, होता ना कहीं कि व्लॉगर जो जैसे ही डालते हैं उनको शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ उनका डालने की देरी होती है बस, उसके बाद ही उनके व्यूज़ वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसे मुझे अभी शेयर करना पड़ता है कि मतलब करना ही पड़ता है यार, अभी हम चैनल क्या हमारा कुछ भी नहीं है अभी, तो उसको ग्रो करवाने के लिए थोड़ा शेयर करना ही पड़ता है। अभी बीच में कॉल भी आ रहा है तो मैं 2 मिनट कट कर रहा हूँ भाई, बोल गुस्सा नहीं मारना, ये कट कर दिया मैंने। तो पता नहीं सबसे ज़्यादा फोकस मुझे मेरी इस पिंपल पे जा रहा है, पता नहीं क्यों, पूरे फेस पे ना, इधर इधर कहीं ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं पड़ रहा, सिर्फ यहाँ पे पड़ रहा है। तो बस वही देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता, अपनी तरफ से तो करते रहो कोशिश। अभी बैठे बैठे मैं व्लॉग शेयर करते करते मुझे नींद आने लगी थी, तो मुझे लगा नहीं यार अगर सो गया तो फिर व्लॉग रह जाएगा, जब एक बारी मैं सो जाता हूँ फिर मेरी नींद खुलती नहीं है 2-3 घंटे के पहले। तो अभी टाइम 2 बजने वाले हैं, क्लास जो ऑनलाइन थी वो भी टाइम पास हो गई। टाइम पास क्या हो गया, मतलब एक क्लास अच्छी है, 2 क्लास हिस्ट्री यार बड़ी बोरिंग है, वो कौन पढ़ रहा है यार, वो तो नहीं पढ़ी जाती, वो आज आप पढ़ोगे 2 मिनट बाद फिर भूल जाएगी सारी वो। अभी यार खाना भी मैंने खाया 12 बजे, कुछ सारा प्रोनाउंसिएशन चाहिए नहीं कि 12 बजे, 12 बजे खाना खाया तो अभी मन ही नहीं कर रहा। डिम्पल भूख लगी है, अच्छा तो अच्छा तेल लगा रही, हाँ इधर, अच्छा चल ठीक है, शाम को आएगी। अभी बैठते हैं यार, जहाँ देखो हर जगह लोग खांस रहे हैं, मतलब कि जो मेरा हमारे जो हमें ट्यूशन पढ़ा रहे थे सर वो भी खांसे जा रहे थे, तो मतलब सारी जगह इस जो मौसम चेंज हुआ ना तो उसने काम ख़राब कर दिया सभी का। तो अभी बैठते हैं थोड़ी रेस्ट करते हैं, थोड़ा खाना वगैरह खा के शाम को देखते हैं कहीं मन करता है, नहीं तो ज़्यादातर व्लॉग्स में पहले ये बोल देता हूँ कि शाम को जाएंगे, 85% मैं करता हूँ कुछ भी नहीं जो मैं पहले बोल देता हूँ, तो लेकिन अभी बोलना कुछ नहीं है, देखते हैं शाम को क्या बनता है, घर से बाहर तो निकलेंगे ही चक्कर लगाने, बाकी बस ठंड जाने वाली है और गर्मी आने वाली, शुक्र है बड़ा रिटेट हो गया हूँ मैं ठंड से। ठीक है फिर बैठे रहते फिर होते हैं बोर और ज़्यादा। सुबह उठ के सोचा था बड़ा तगड़ा व्लॉग बनाऊंगा लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ भी यार, बोर बड़ा ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तेल लगा रही है वालों में अपने, इंदुलेख और मैं यहाँ पे, क्लास भी हो गई मतलब कि फोन व्लॉग भी अपलोड कर दिया लेकिन बैठा हूँ नहीं कुछ हो रहा, फिर पढ़ लेता हूँ और क्या, ना भूख लगी हुई है ना कहीं जाने को है ना कुछ, मतलब कि सिर्फ बैठे कोई काम भी नहीं है, सिर्फ बैठा भी नहीं जा रहा, टाइम पास भी नहीं हो रहा, मतलब बैठने का मन भी नहीं कर रहा पूरा। क्या ये दिन भी आते हैं ना, मतलब वो दिन ठीक है जो बंदा सुबह जाए और मतलब कि बंदे के माइंड में मतलब पता नहीं चले टाइम कब स्पेंड हो रहा है, तो वो बेस्ट चीज़ होती है। ये जो है ना बैठे रहना कि नहीं पता, जो इसमें पता ही नहीं होता कि अब टाइम पास होना कैसे है, वो एक दिन मज़ा आता, 2 दिन, 3 दिन बंदा पागल हो जाता है ना टाइम गुजरने पर आता। ये ठीक है मतलब कि दिन निकलते रहे या बिजी बंदा हो तो उसमें वो चीज़ बेस्ट होती है। तो अभी पेपर का भी कोई पता नहीं है, इतना तैयारी कर रहे हैं, मतलब इतना क्या तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कम ही कर रहा हूँ, कोई पता नहीं कि होना है नहीं होना, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड के केसेस आ रहे हैं जम्मू में भी एकदम से
ग्राफ चला गया ऊपर, और इंडिया में तो माशाल्लाह धमाल मची हुई है कोरोना की। तो इसलिए पहले भी सारे कहते थे कि मास्क मत उतारो, जब थोड़ा सा माहौल ठीक होता है तो लोग एकदम से फ्लिप हो जाते हैं कि नहीं अब है ही नहीं कुछ भी। तो मैं मतलब जैसे मैं था, मैंने मास्क नहीं छोड़ा डालना, मैं डालता ही था बेशक था, या मतलब बेशक भी एकदम एक बार तो ऐसा भी आया बिल्कुल ठंडा हो गया था कोरोना, तो उस टाइम पे भी मैं मास्क डाले बिना नहीं जाता था, क्योंकि ऐसे भी सेफ्टी होती है अपनी, धूल वगैरह नहीं जाती, अपना फेस थोड़ा सेफ रहता है। तो अभी फिर से माहौल वैसा आ गया, और कई अल्ट्रा लेजेंड्स लोग जो होते हैं वो इस टाइम पे भी नहीं पहनते, और उनको होता भी कुछ नहीं है यार, ये भी मैंने चीज़ देखी है, जो मास्क नहीं पहनता उसको कुछ होता ही नहीं है, और जो बेचारे ज़रा सेफ्टी में रहते हैं, इधर ही टच करना उधर ही टच करना, सबसे पहले सिम्टम्स उन्हीं को होते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती क्या चक्कर है, अभी थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ फिर क्या, 2 बजे या 3 बजे पानी आ जाना है, और भूख लगेगी तो खाना खा लूँगा, वरना देखते हैं अब शाम को ही क्या। ठीक है फिर, बाय डिंपल। चलो यार क्या करना, एक एक एक्सप्रेस में वीडियो यूट्यूब कोरोना नहीं फैला, शाम को हम सिद्धरा जा रहे हैं कोरोना वायरस फैलाने। नाउ डिंपल, तो मेरा हेड मसाज हो चुका है और मुझे बड़ा ज्यादा मजा आया, सुपर्ब, थैंक यू। ठीक है ना, अब नींद आ रही है, सो जा अब तू, बड़ी ज्यादा पानी में भर दूंगा, तू सो जा आराम से अब, ठीक है। बाकी मुझे पता है तूने चावल बनाने हैं अभी, उस पर पीछे लाइट पड़ रही है ना, उस वजह से फेस मेरा सही नहीं आ रहा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ अब ठीक है, तो अभी करते हैं हम रेस्ट, खाना शाना भूख लगेगी तो फिर खाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है फिर बाय। अपनी बहनों के सिर किया करो, ठीक है, चचा चचा करो जब सारे बिजी होते हैं, ये भी बहुत बड़ा टास्क है, उसके बाद धोने का भी टास्क है, वो तो चलो खुद ही धो रहती है, लेकिन ये थोड़ा अगर आप हेल्प कर सकते हो तो आप किया करो जस्ट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। खुद तो अपने आप को इतनी बेटर होता नहीं, अगर कोई करे तो ज़्यादा ठीक रहता है, और भूख लगी है, पानी भी आ गया, पानी भी भर रहा हूँ, और उस टाइम बड़ा ज्यादा बोर हो रहा था, कुछ यूट्यूब की नॉलेज भी चाहिए थी क्योंकि अभी कमी है मेरे को, तो अपने दिवाकर भाई को फोन किया जो कि एक यूट्यूबर है जम्मू के, अच्छे खासे बड़े सही ब्लॉग बनाते हैं, वो भी डेली डेली लाइफ ब्लॉगिंग बनाते हैं वो भी, मतलब मैं तो एक डालता हूँ 1 महीने बाद बंद कर देता हूँ, लेकिन उनके ब्लॉग जो हैं वो आते ही रहते हैं, तो उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, काफ़ी मज़ा आया उनसे बात करके। तो अभी खाना खाने लगा हूँ, अपनी मैडम खाना डाल रही है डिपर, अभी खाना खाते हैं फिर शाम को चलते हैं घूमने, ठीक है। साथ साथ में पानी भी भरता हूँ, क्या पता शाम को भी हो ऑनलाइन क्लास, मैंने नहीं करनी पर उसने सुबह से कोई काम नहीं किया होगा। हाँ आज मैंने ये शो करते हैं, मैं पानी भरने लगा हूँ, मैं बर्तन साफ करने लगा हूँ, करना पड़ता है कैमरे के लिए। तो बस अभी निकल गए हम घर से, शर्म हमें बिल्कुल नहीं, अंधेरा पड़ गया हुआ, और इस टाइम लोग अपने घर वापस आते हैं और हम जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी करते करते टाइम हो ही जाता है, शाम का टाइम ही ऐसा होता है कि अगर कोई काम नहीं होता फिर तो बंदा फटाफट चले जाए, लेकिन जब काम ही देखने हैं बाकी चीज़ें भी देखने, फिर तो टाइम लग ही जाता है। जल्दी जल्दी चल, मैं आपको सीधा ऑफिस आके मिलता हूँ, ठीक है, यहाँ बाहर वाला रोड दिखाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, किनार रोड दिखाता हूँ, यहाँ आ गया अपना किनार रोड, और मैं और डिंपल निकल रहे हैं, अंधेरा देखो, अंधेरा हो गया लेकिन फिर भी जाना तो है ही है, बड़े लिचड़ हम अभी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो आधे मेरे व्यूअर्स को पता है कि हमारे घर जगह इतनी है कि हमारे घर एक गाड़ी भी नहीं लगती है, इसलिए उसमें हमारी कोई नहीं है, इसलिए ऑफिस जाना पड़ता है, तो ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो यहाँ अभी हो गई है शाम, तो जाम लगना शुरू हो गया हुआ, देखो नहर तक जो है वो जाम लग गया हुआ, ये सारा हमारा अपना रोड है, जीवल से लेके कनाल रोड तक, चलो फिर मिलते हैं। ये हमारे पापा का ऑफिस, और पूरे मेरे डायलॉग डिलीवरी पे शटर नीचे गिरा, ये पापा का ऑफिस है, और यहीं पे मैं फिर रहा होता हूँ पूरे दिन, क्योंकि गाड़ी लेने या कुछ भी करना हो मैं यहीं पे आता हूँ। और ये विशाल बरगद का पेड़, ये हमारी गई गली, और ये हमारा मोहल्ला,
जहाँ पे हम रहते हैं फिलहाल, केनाल रोड। और आप देख लो, ये है साइंस कॉलेज, केनाल रोड की सड़कें। बड़े लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे पढ़ने आए, पढ़े हुए हैं मतलब साइंस कॉलेज में। और ये अपना गुरु रविदास जी का मंदिर है यहाँ पे, ये भी हमारे घर के पास ही है इस गली में। और आगे मतलब इस छोटी सी जगह में भी इतनी जगह है, आगे अभिनव थिएटर भी है, और सारी मतलब दुनिया जहान की बुकें भी यहीं से मिलती है, तीन चार दुकानें जो है, मतलब इस जगह की वैल्यू बड़ी ज्यादा। और ये अभिनव थिएटर है। हाँ। आजकल तो चलो इतने फंक्शन होते नहीं, पहले होते हमारे होते स्कूल के एनुअल डे फंक्शन इधर होते थे। और अभी लेजेंडरी आ गया जीवल चौक। और ऊपर आपको फ्लाईओवर भी दिख रहा है। और ये देखो प्लूड़ा 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 की रोना ने आना मतलब रेड़े बटेड़े और तला 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 तो बॉडी बॉडी आना ने के तला आप दिलो। और ये देखो लोड़ी के बाजार बड़ा। और ये देखो देखा गाइस, अभी हम कल लेंगे ना वो सारी चीजें। यार क्या बाजार सजा है हमारा। वाओ यार कैरियर सक्सेस आपकी आपका ट्यूटोरियल कैरियर सक्सेस की तरफ से सबको लोड़ी की मुबारकें। और ये इतना अच्छा वो क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल गार्डन। वर्टिकल गार्डन जम्मू स्मार्ट सिटी। यहाँ पे रात को फुहारा भी चलता है, अभी चल नहीं रहा, लाइटें भी जगती है। अरे आ गया वी मार्ट। अरे आगे आ गया सेंट पीटर्स। आगे आ गया बस स्टैंड दोमपुर। अरे आ गई हमारी कटरा वाली बसें। ये कौन सा चौक आ गया डिंपल? केसी चौक। मेरे को भी आज पता चला। और यहाँ पे काफी ज्यादा सिटी है ना, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोड कंजेस्टेड होते हैं। ये देखो जैसे आप आगे देखो, अब मेट्रो वाले ने कटनी है तो मैंने रोक दी पीछे। अगर मैं ले जाता आगे, 2 इंच से हमारी हो जाती है मेरी साइड करना, 2 इंच से भी हमारी गाड़ी टच हो जाती। मैंने उसको बोलना था ओए क्या कर अन्ना होना है कि लब्बा ला नहीं आगे। उसने भी मुझे बोलना था कि तू तू नहीं पीछे रुकी सकता, फिर फालतू को यहाँ पे जाम लगना था, पीछे बेचारे कोई लोगों ने फंस जाना था जो जरूरी कामों से जा रहे हैं, इसलिए पहले ही रोक। इसलिए लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। कर दे इसने परे। कौन है ये? कौन है ये? तो अभी जिस रोड पे हम आए हैं इसको बोलते हैं करण नगर। अच्छा, यहाँ से जो सारी शहर वाली मैटेड हो रही है कच्ची छोरी वाली, यहाँ पे करण नगर यहाँ से धुआं मचाते निकलती है। इस रोड से ना मेरी गाड़ी निकलने की भी कितनी कम जगह देख रहे हो आप, पर यहाँ से तालाब दिल वाले दूसरे की गाड़ी को पास करते हैं और वो भी फुल स्पीड में, मतलब उनके लेवल की ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी कोई बन ही होता, पर वो भाई नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ से जो है यहाँ पे मोमोज भी लगते हैं आज, शायद अभी सेटअप उनका लग रहा है। ये देख रहे हो आप साइड में, यहाँ पे भी हमने दिखाना तो टेम्पो लग गया वो साइड में, दिखाएंगे हम तो अभी आपको आगे भी दिखाएंगे। आगे स्कूटी भी है, ऊपर चढ़े उड़ने हैं फिर के है। ये देखिए, यू सी दिस गाय, नंबर वन बुलशिट गाय। अरे आगे पीर बाबा जी की दरगाह। हाँ, जा हो अभी मथा टेक लीजिए। और यहाँ पे चर्च है यार, जम्मू की खासियत देखो, सामने ही चर्च है। ये देखो चर्च का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन इतना पता चर्च है। जम्मू इज अ सिटी ऑफ टेम्पल। एक और मंदिर आ गया। तो यार कुछ ही मिनटों की दूरी के बाद पहले हमें दरगाह दिखी, फिर हमें वो दिखा चर्च दिखा, और देखो ये मंदिर भी साथ में ही आ गया। मतलब यही जम्मू की खासियत है यार, हमारा इंडिया, ब्यूटी ऑफ जम्मू, ब्यूटी ऑफ जम्मू यही है। और हम पता नहीं क्यों टूरिस्ट गाइड के बन गए टिम्पल। इसके बाद हम जा रहे हैं सिद्धड़ा वाली साइड, फिर आपको वहां का व्यू दिखाते हैं। यार अभी होगी थोड़ी सी रात, वरना आपको व्यू दिखाते हैं। वो सामने देखो पहाड़ पे बत्रा हॉस्पिटल दिख रहा है, और जम्मू के मतलब की सारे चीजें यहाँ पे दिख रही है। वो देखो सामने पहाड़ी में, अभी शायद आपको फोन पे कम दिख रहा होगा, लेकिन यह हमारा हो गया सिद्धड़ा वाला रूट स्टार्ट पाया 5 जी 3 केड़ी रूट हमारा। यहाँ पे अंधेरा हो गया, इसलिए थोड़ी ड्राइव सेफ करनी पड़ती है, वरना यहाँ पे गड़ियाँ बड़ी फरनाटा जा। अभी तो खुद बताएगी जम्मू का फेमस सिद्धड़ा ब्रिज, फेमस वो आ गया अपना फेमस स्पॉट आ गया सिद्धड़ा। ये देखो आप, ये पूरा नेशनल हाईवे भी है बाईपास। ये देखो आप सामने ऊपर दिल्ली चंडीगढ़,
जलंधर रेलवे स्टेशन पठानकोट लखनपुर सांबा और रोड देखो सामने खतरनाक भी भाई कातिलाना जाबर जाबर भी वो देखो सामने पहाड़ी पे बर्फ भी पड़ी हुई है वो ज़ूम करके दिखा वैष्णो देवी वाली त्रिकुटा हिल्स माँ वैष्णो देवी जी के भवन में बारिश भी पड़ी है अभी थोड़ा ये वाला व्यू भी दिखा दो जय माता दी इस साइड वाला ये आ गया अपने जम्मू के पहाड़ वो देख रहे हो आप जो दूर चलो अभी हम एक डोगरी गाने के साथ आपका एंटरटेनमेंट करेंगे जब डिंपल फ्रंट कैमरा खोलेगी चलो अभी आपको आगे दिखाते हैं कुछ अभी हम सिद्रा और सतवारी वाले बाईपास पे अभी यहाँ पे गाड़ी एकदम से मच्छर जाती हैं क्योंकि रोड ही ऐसा रोड खुला और यहाँ पे सारे मच्छर गुजरते हैं तो वैसे गाड़ियाँ एक दूसरे से आगे निकाल रही हैं यहीं से हम थोड़ी सी आगे जाकर टर्न ले लेंगे वापस के लिए तो और मेरी आवाज़ देखो यार कितनी आरजे वाली आवाज़ आ रही है मेरे आप पहचान रहे हो मतलब लग ही नहीं रहा कि शुभम डोगरा बोल रहा है तो यार बस इसी तरह यार हम देखो ब्लॉग के चक्कर में तो नहीं आए अपना मन और करने आया और साथ साथ में हमने सोचा कि चलो आपका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए घर बैठे बैठे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जब भी आप देखते हो और मुझे कुछ मैं भी मतलब नरेट कर रहा हूँ अपनी बातें मुझे खुद ही नहीं पता लग रहा कि शुभम डोगरा बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कोई और ही ब्लॉग बना रहा है ना अभी देखो डिंपल एक लाइन बोलेगी देखना कैसे बोलेगी आवाज भारी हो गई है ना देखा ना डिफरेंस देखो चलो मिलते हैं आपको आगे ब्रेक के बाद तो मैं डिंपल यहाँ पे पहुंच चुके हैं सिद्रा पॉइंट पे जहाँ पे थार आई हुई है गाड़ियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पे रोज शाम को पता नहीं क्या शोशा हो गया हुआ बड़े 3-4 सालों से जब का ये सिद्रा कैफे खुला हुआ है तो तब से मतलब यहाँ आके गेड़ी मारना एक मतलब की कुछ भी नहीं है इधर लेकिन हाँ सारा मतलब ये देखो अभी जैसे ही लोग आप मतलब यहाँ पे आते रहते हैं लोग ये देखो आप और हमारा कुछ खाने का मन था नहीं क्योंकि मेरा भी थोड़ा थोड़ा गला खराब है इसका भी है तो हमने कॉफी ली है और कॉफी में मतलब जा खत्म ही नहीं होने को आ रही है क्या चक्कर है देखो पोलर बियर कॉफी कर रही है एंजॉय अपनी सिद्रा पे डिंपल का बड़ा सपना है ऐसे स्टड वाली जगह पे आना तो ये देखो गाड़ी यहाँ पे आए जा रही हैं स्टड वाली क्या बोलते हैं स्टड वाली स्टाइल वाली नहीं हम ऐसे देसी वाली लेकिन चल हम ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि थोड़ा हल्का हो गया यहाँ पे आगे लेकिन 10 मिनट बाद फिर मन करता है कि घर चले आए है ना अभी मेरी देरी बंदा बाहर हाँ अभी ये नेस कैफे है ये साथ में और 3-4 पॉइंट्स खुले हुए हैं फूड फैक्ट्री अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे फिर थोड़ी देर बाद निकलते हैं आगे देखते हैं ठीक है फिर कॉफ़ी पी के मिलते हैं आपको पूरी साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे व्यू का देखो यार जम्मू में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है वो शायद से पीछे गाड़ियाँ चल रही है ना बोल पे हर जगह देखो सिर्फ व्यू ही व्यू है अभी हम आपको सिद्रा वाला रास्ता भी दिखाते हैं फिर वैष्णो देवी सारा दिख रहा है अभी दोस्तों बजालता वाला रास्ता है देखो आप लाइट बंद करूं हाँ। ये देखो आप मतलब कि ये यहाँ से आया मानसर रास्ता भी जाता है सिद्रा से अंधेरा देखो आप गाइस अभी हमने मिरर खोला ठंडी हवा आ रही है ना जो यहाँ पे ठंड में भी ठंडी नहीं लग रही है क्योंकि फ्रेश है काफी ज्यादा हाँ। ट्रैफिक नहीं ना ज्यादा हाँ। तभी और ये देखो मतलब रोड पूरा नेचुरल है ये नेचुरल रोड नेचुरल नहीं है मींस की यहाँ पे वो है पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पे कुदरत ग्रीनरी है ग्रीनरी ज्यादा देखो गाड़ी भी यहाँ पे कम ही चलती हैं अभी हम यहाँ से थोड़ी देर ऐसे करने हैं कि ताकि हमारा थोड़ा मूड ठीक हो जाए और हम थोड़ा मन वाला खुल जाए और यहाँ पे हम थोड़ा सा चक्कर चुक्कर मार के वापस आ जाएंगे अभी इसका रोड ही ऐसा है कि पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और रास्ता भी कम ही चलता है यार क्या बोला बजालता में आ गए बजालता सिटी देख लो आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है जो कटरा को जाती है ना ट्रेन हाँ। वो ही यहाँ से गुजर के जाती है बजालता से वाया उधमपुर जाती है और पहले बजालता में ही आती अच्छा, है अच्छा ये जो ट्रेन यहाँ से जाती है वो वैष्णो देवी जाती है कटरा हाँ जी हाँ जी पहले उधमपुर फिर कटरा अच्छा ये है हाँ ये है ये नीचे रेलवे स्टेशन है ओके और ये मेन सिटी है देख लो बाजार कितना अच्छा पहाड़ों के बीच आके ये बाजार आता है और छोटा बाजार नहीं काफी बहुत बड़ा बाजार है ये देखो आप बिजी रोड बिजी मार्केट आगे यहाँ पे टिप्पर जा रहा है शायद कोई रास्ता काफी सोड़ा हो गया है
तो यार रास्ते में ना हमारी मेमोरी फुल हो गई थी, तो फोन चलाई मतलब फोन बैटरी थी पर मेमोरी पूरी फुल हो गई थी, मैंने खाली भी नहीं की थी, मुझे लगा कि चलो कमी चाहिए पर हमारे शॉर्ट्स ज्यादा ही लंबे चले गए। तो उस दोबार खुश थी पर डिंपल बेचारी फिर घर आके दुखी होगी। फिर देखो हाँ क्या हुआ, रौनक नहीं लग रही? अच्छा फिर दुखी होगी बेचारी, क्योंकि जब हम घर आए तो पापा फोन चला रहे थे, वो उसके बाद फोन नहीं चलाते रहे, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा आप कहाँ गए, कहाँ घूमे, या आपने क्या क्या खाया, कुछ भी नहीं पूछा। वो अभी फोन चला के अभी उनको बोला तो अभी वो उठे हैं, तो पापा को कोई लेना देना नहीं होता हम कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, ना वो पूछते हैं। तो कई बच्चों को खुशी होती है कि हमारे घर वाले हमें नहीं पूछें, और हमें हमें कोई तो पूछने वाले और नहीं हमें कोई है। पूछने वाले नहीं है, देखो जहाँ मर्जी जाओ कुछ नहीं पूछना कहाँ गए थे कहाँ नहीं, अपने मस्त फोन चलाना है बैठे बोर, इसलिए बेचारे डिंपल बोर हो जाती है ना। आई हेट यू हेट हिम। बलवान डोगरा। ओके यार रात बड़ी हो गई है, भूख भी इतनी ज्यादा लगी है, ऐसे आपको दिखाने के लिए कि सारे काम जो है वो आने चाहिए, तो मैं इस टाइम हंस रहा हूँ ही, पर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है जो पीछे वीडियो ना आ रही है उस पर भी, क्योंकि वो किसी की फ्रस्ट्रेशन जब मेरे पे निकालती है तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो ये है ही ऐसे ही है, मतलब खड़ूस है बड़ी ज्यादा। तो अभी तो मैं ये मम्मी बोलूँ फिर ये क्या कर रहा है। हाँ तो अभी फुलका बना रहा हूँ मैं, तो आप देखो कैसे बनाता हूँ, या बोलना बोल पीछे से तब तो। हाँ ये सिर्फ व्लॉग के लिए इसने मेरे को बोला कि मैं एक फुलका बनाऊंगा, और तब हाँ से मुझे यहाँ पे फोन में बकवास लगा लगा के ना हाँ इरिटेट कर रहा और क्या है, करूँ मैं, और बोर कब बोर जब हूँ फोन बंद कर रहा है तब अपने मुंह से बकवास कर रहा है फालतू हाँ, की। और क्या करूँ मैं, बोर थोड़ी ना हूँ तेरी तरह। और ये बोल रहा जब तू तो फुलके मैंने ये सारे बना दिए हैं, बना दिए हाँ जब वो तू तो तो है फुलके बना लेगी। यार, मैं नहीं रह सकता चुप यार, ओ मैं मेरा नहीं मन करता चुप रहने का, ये चाहती है कि जब इसका मूड खराब हो और मैं भी हाँ इसके साथ चुपचाप करके बैठ जाऊँ कुछ भी नहीं बोलूँ, अगर ये साइड है तो मैं क्यों ऐसे वीडियो देख रहा हूँ खुश हो रहा हूँ, तो मेरी मेरा क्या फॉल्ट है इसमें, मैं थोड़ा ना कोई इसके हिसाब से वही वो करूंगा, अच्छा करना इस पड़ेगा चक्कर में फुल्का भाई नहीं बन रहा मेरा, यही होता है। यही होता नहीं बनाऊंगा तेरे सामने, इसका दूसरी बारी थोड़ा लगा दो ना, फिर काम खराब हो जाता है, फिर ना थोड़ा अकड़ जाता है। अभी माँ की आँख इसकी जहाँ से पतला हो गया वो ना वहां से नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो जोरी नहीं मारना होता ना, मेरा गला भी खराब हो रहा है, वो रुचि कर रहे गला खराब हो रहा है तभी मैं इरिटेट हो रही हूँ। हाँ, अच्छा तो किसकी तेरी किसी की गलती थोड़ी ना होती है, किसी अपना गला की खराब है अपनी अपनी इरिटेशन अपने तक रखो, है नहीं है अच्छा सही है मेरा गला, यार मेरी बैंड बजी है मैं कितना खास रहा हूँ, मैं क्या अपनी अपनी दूसरों में फ्रस्ट्रेशन निकालू, हाँ गला तेरा खराब आ दिया है, तूने ये ना अपने मेरे नखरे अपने को भरा को दिखाना तो नहीं कोई देने वाला, चलो मेरा पुत्र छुट्टी कर तू चल, ज्यादा उसने VIP कल्चर की जी हुई है, इतने थोड़ा नखरे झेलने तो आ सही तो ना, फुलका बना चल चल बड़ा सही सही है इतने। अपनी सही गलत लगती हर एक चीज। अभी देखो पूरा फुलका आपको ऐसे फुला के बताऊंगा कैसे ऐसे, तू ज्यादा नहीं कर रही इतना, इसने मुझे इरिटेट किया मैं ऊपर ही चला गया, अभी तो भैंस हमारा बाजी बाजी बैंस बाजी, बाजी मैं फुल ही नहीं रहा मेरा फुलका, चल फुलाते सही, फूक अभी गाइस देखो जय मार माता ले दी, फूक। ओ फुलके के अंदर फूक और मार ये फूल डिंपल ने जाता जो है पूरी नजर लगा दी अपनी, इसलिए मेरा फुलका फूल नहीं पाया, क्योंकि तू मेरे को इरिटेट कर शट रहा था अप, बड़ा। यू शट अप लेकिन बना तेरी माँ की आंख चपेड़े पड़नी चाहिए तेरे को माँ की बहन की, माँ की बहन की, अब इसे, सुबह सुबह इससे फुलके बनाने हैं, रात को भी बनवाने से। ओ और ये बन गया फुलका, और निकल गया नॉट बैड, मैं बड़ा अच्छा बनाता हूँ, ये सिर्फ आज इसकी हाँ इसकी वजह के चक्कर से मेरा इसकी इसके वजह साथ बहस करने में ना मेरा दिमाग इधर नहीं लगा, वरना बनाता पूरा सही हूँ, और अभी आपको चख के बताऊँ, एक ग्राह अपने नहीं फुलके, नहीं चल बाद में तो खाते नहीं हैं, इससे चकले अब नहीं अगली दाल कुछ से नहीं, वो दाल दाल आए दाल वो निकाल, इस दे निकाल जो दे 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 वो निकाल, दही वाले आलू, इस निकाल दही वाले आलू इतने सही बनाए थे, देख उसका यस, पर ये आलू पूरे ठंडा है टूटा, ना पागल। कोई बात नहीं मैं ठंडे से ही खा लूंगा, आगे तेरा गला खराब है। 1 सेकंड पॉज कर लेंगे जब तक तो गर्म होती है, और अपनी सब्जी जो है वो गर्म हो गई है, और मैंने जो फुलका बनाया अपने हाथों से वो आपके सामने बताऊंगा कि सिर्फ व्लॉग के चक्कर में नहीं होता ये, ये बड़ा सही और बना यार था ये काफी यार। बड़ी सही सब्जी बनी थी, लेजेंडरी, इतनी टेस्ट थी ना हाँ इसका कोई बोल था मुकाबला बनाई नहीं था, किसने थी। डिम्पल है बनाई थी, हाँ और अभी मैं अपना अपने हाथ का बनाया हुआ शुद्ध फुलका शुद्ध खाऊंगा। शाकाहारी फुलका।
टाटा करो मेरे हाथ का फुल्का पर सब्जी प्रॉपर गर्म स्वाद ही अलग है ना अपने हाथ का फुल्का स्वाद आ गया ये देखो कितने मेरे लिए कितना प्रॉब्लम है ना अपने हाथों का फुल्का आ रहा है इसने एक दिन मुझे भी मना के खिलाए थे जब मेरा मन नहीं कर रहा था मनाने का आज जो मतलब एक फुल्का खा के मुझे यहाँ पे फील आई है ना दरवाजा बंद कर दे मतलब बिस्तर पे बैठ के इतना मजा नहीं आता क्योंकि अपन लोग हैं मिडिल क्लास हमारे घर तो वो है ही नहीं है डाइनिंग टेबल वगैरह तो सोशल डिस्टेंसिंग तो एक यहाँ पे जो खड़े होते मजा आया ना खाने का अभी ये भी कह रही मैं भी इधर खड़े हुए होंगे अभी फास्ट से ठीक निकालो और इधर ही अटैक करो फटाफट मिर्ची यार फिर खराब लगती है ना उससे फिर उससे फिर वो फाइल्स हो जाती है इसलिए अब सब्जी नहीं खा रहा हूँ मुझे खाने का मन कर रहा था आपने तेरा नहीं कर रहा ये देखो चले तो आ इसको हाँ नहीं इधर ही जानते ना गैस बंद कर दे बंद चलो ठीक है गैस ये देखो ये ना वो बेटर देन चिकन सूप बेटर देन क्या कहते हैं उसको कोई भी सूप से मतलब ये सब्जी जो है उसकी ग्रेवी बड़ी सही है दही वाले आलू के भी खाते हैं ये हमारी बूजी है ना कृष्णा बूजी वो बड़े सही बनाती है खाते हैं फटाफट ठीक है खाने के बाद मिलते हैं सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज़ व्लॉग आपने यहाँ तक पूरा व्लॉग देखा बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका तो आज का दिन यहीं पे मैं करता हूँ ख़त्म क्योंकि 10:30 बज गए अभी सो जाएंगे फिर सुबह उठेंगे फिर नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जिसको अच्छा लगा वो मेरा भाई मित्र जो है जो भी मेरे सखी सहेलियाँ मेरी सब्सक्राइबर्स जो भी है किसी भी एज ग्रुप के हैं अंकल आंटी भैया भाभी जो भी है सारे प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दो ताकि नए नए व्लॉग जो है मैं डालता रहूं और आपका एंटरटेनमेंट करता रहूं तो हमारा भी टाइम पास होता है ओके तो आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म तो उससे पहले पापा जो है थोड़े चावल खा रहे हैं आज पापा व्लॉग में आए नहीं हैं गुड नाइट गुड नाइट तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म तो तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान जय माता दी सत श्री अकाल सलाम Oh, 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 o